लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार मिर्जापुर में प्री मानसून की बारिश हुई। बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश होने के बाद जल जमाव से मुसीबत भी सामने आई। दरअसल बारिश की वजह से विंध्याचल के कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिसके बाद पटेगरा रेलवे पुल के नीचे जल जमाव से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, दूर दराज से विंध्याचल आने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन भी बाधित हो गया। इसके साथ ही सोमवार को आजमगढ़ के दर्शनार्थियों से भरी एक गाड़ी पटेगरा रेलवे पुल के नीचे जल जमाव में फंस गई। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण पुल के नीचे ही गाड़ी बंद हो गई। ये देखकर गाड़ी में सवार लोगों के भी होश उड़ गए, लेकिन स्थानीय लोग और जिला प्रशासन ने आनंद फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान अमृत योजना के अंतर्गत कार्य कर रही पोकलेन मशीन को मौके पर बुलाया गया। पोकलेन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया, जिसके बाद सवारियों ने राहत की सांस ली। दर्शन करने के लिए क्या आपको दिक्कतें हुई है? सामने क्या दिक्कत आपको हुई अभी आने में? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ इतना बनाया जाए, यहाँ पानी है, हुआ है कि हम लोग निकल नहीं पाए। वहाँ अपनी गाड़ी फंस गई, आगे पूरी गाड़ी डूब गई थी क्या? यस, पूरा पूरा परिवार। पूरा परिवार कितने सदस्य थे आप लोग? 15-20। बता दें कि विंध्याचल धाम पहुँचने के लिए शिवपुर फाटक का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे रेल फाटक बंद होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। विंध्य क्षेत्र में कई स्थानों पर जल जमाव की सूचना के बाद भी विभाग खामोश रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो पटेगरा नाला पुल के पास बारिश के दिनों में स्थिति बेहद खराब हो जाती है। हल्की बारिश में तो गाड़ियां किसी तरह निकल जाती हैं, लेकिन भारी बारिश के समय स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। ऐसे में गाड़ी मालिकों और भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद प्रशासन कुछ सीख लेता है या यूं ही खतरों का सफर जारी रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।